बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम धन्नड़ में बीती शाम शासकीय रास्ते पर निकलने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ग्राम के उप सरपंच राम प्रसाद जाटव, उनके छोटे भाई शिक्षक राधेश्याम जाटव, हरीश जाटव और मंत्री सुधीर जाटव ने संजय जाटव के परिवार पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि उस समय संजय जाटव के घर पर सिर्फ महिलाएं ही थी जिन पर इन सब ने मारपीट व गाली गलौज की थी। वहीं विजय जाटव ने तो शराब के नशे में इनके घर में घुसकर महिलाओं को मारपीट व गाली गलौज की, साथ ही उनके पतियों को मारने की धमकी दी। इनमें दो महिलाओं को चोट भी आई जिनके खिलाफ बेटमा थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि 10 फीट रोड को बनाने की अनुमति ग्राम पंचायत से पहले ही मिल चुकी है, किंतु ये अपनी दबंगई से इस RCC रोड का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। शासन से भी 181 पर शिकायत की जा चुकी है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरे गांव बगोदा तलाई में जो जाटव परिवार है, रामप्रसाद जाटव जो उप सरपंच गांव धन्नड़ के और उनके छोटे भाई राधेश्याम जाटव जो बगोदा के शिक्षक है और उससे भी छोटे जो हरीश जाटव वो भी शिक्षक है और राधेश्याम जाटव का लड़का जो सुधीर जाटव वो भी और बद्री जाटव का लड़का विजय जाटव दारू के नशे में मेरे घर पे अचानक हमला करा, जो कि ये एक शासन की रोड के जो मीटर में इनने हमारे घर पे हमला करा। शासन रोड निकाल रही है, ये निकालने नहीं दे रहे हैं और अचानक इनने मेरे घर पे हमला कर लेडीज़ों को पत्थरों और शराब पी के पत्थरों और हथियारों से इनने मारने की कोशिश करी। शराब की जो रोड है वो विजय जाटव जो था शराब के नशे में पूरी धुत था, जिसने पूरे बिल्कुल बिल्कुल होश हवास में नहीं था, उसने बिल्कुल घरों पे पत्थर और मेरे फादर को मारा है। अच्छा, ये रोड कितने फीट का है, कहाँ का विवाद? ये रोड गोपाल मारू की चक्की से तो लाल सिंह की चक्की तक 12 फीट का शासन ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, निर्विच्छेद वो है। और ये बगोदा ये धन्नड़ पंचायत का जो सरपंच है उप सरपंच बनाने नहीं दे रहा है, इनके भाइयों के और पैसे के इसमें पावर में हम लोगों को मारना चाह रहा है। अच्छा, कितने साल पुराना मामला है ये? मामला 2.5 साल पुराना है, जिसके मेरे पास शासन के सभी एविडेंस कागज है जो पंचायत द्वारा निर्मित है। अच्छा, ये इस रोड को बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पहले इसके बारे में कोई परमिशन वगैरह मिल चुकी है क्या? हाँ, इसकी परमिशन पंचायत दे चुकी है, मैंने कलेक्टर को भी आवेदन करा है, देपालपुर तहसील के SDM को भी कर रखा है, CEO साहब को भी कर रखा है, जिला पंचायत में भी आवेदन दे रखा है मैंने और हेल्पलाइन पे मेरी Level 4 पे शिकायत चल रही है, जो कि शासन कार्रवाई कर रही है। ये पंचायत उप सरपंच जो रामप्रसाद जाटव वो करने नहीं दे रहा। ये इससे पहले भी कभी हुआ है कुछ विवाद वगैरह? इसके पहले भी ये रामप्रसाद जाटव और ये जाटव जो शिक्षक और ये है हम लोगों को मारने आए थे, जो कि हमने मामला वहीं के वहीं दबा दिया। अब जाके मामला बहुत गंभीर रूप से ले लिया, इनने हमला कर रहे बार बार हमारे घर पे। सड़क देते नहीं। आज जो मामला हुआ तो ये किस बात को लेके हुआ है? आज ये जो विजय जाटव है ये हमारे घर के सामने आया और नशे पत्ते में गाली दे रहे हैं और शराब पी के हमला करा घर पे। ये रोड के मैटर में हुआ है, शासन रोड निकाल रही है लेकिन ये निकालने नहीं दे रहे हैं। आज धन्नड़ में रऊ से तहसीलदार साहब, पटवारी साहब और धन्नड़ की पटवारी मैडम ये सब नप्ती करने आए थे। वो जो जगह है रोड जहाँ निकल रहा है वो धन्नड़ पंचायत में आ रहा है, लेकिन धन्नड़ पंचायत ये बोल रही है कि ये बगोदा पंचायत में आ रहा है। उसके बावजूद भी बगोदा पंचायत से मैंने परमिशन ले ली है, जिसका मेरे पास लिखित प्रमाण है, इसके बावजूद भी धन्नड़ पंचायत बनाना नहीं चाह रही है। आज जो नप्ती हुई वो किसकी हुई, रोड की हुई या वो जो पूरा प्लाट है, किसकी नप्ती हुई है? ये जो आज नप्ती हुई है शासन द्वारा नप्ती हुई है, ये जो पंचायत बता रही थी कि ये आबादी क्षेत्र में नहीं है, जबकि शासन ने प्रमाणित कर दिया है कि धन्नड़ पंचायत में आ रहा है ये, लेकिन ये रोड का मीटर है और ये बनाना नहीं चाह रहा है धन्नड़ पंचायत। ये रामप्रसाद जाटव जो पंचायती पावर बता के शासन के उसमें बाधा बना रहे हैं और इनके भाई परिवार जो शिक्षक है वो भी शासन के कार्य में बाधा बना रहे हैं, जिसका मेरे पास पूरा एविडेंस है, कागज है, पूरे कागज भी है मेरे पास, कमिश्नर, जिला पंचायत, SDM मैडम, कलेक्टर साहब सबके मेरे पास प्रमाण है। आपका नाम? मेरा नाम संजय जाटव है।